नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज। जिला अनूपपुर के जैथरी नगर की जनता दिनांक 13 सितंबर को जिला दंडाधिकारी व रेल प्रशासन बिलासपुर के नाम ज्ञापन सौंपकर नगर विकास मंच जैथरी व जैथरी क्षेत्रवासियों के द्वारा आगामी 17 सितंबर को वृहद विशाल रेल रोको आंदोलन एवं क्रमिक अनशन करने को मजबूर हो गयी, जो की अनिश्चित काल तक रहेगा। जैथरी नगर विकास मंच व क्षेत्रवासियों के द्वारा जैथरी रेलवे स्टेशन के सामने फुट ओवर ब्रिज के समीप आगामी 17 सितंबर को विशाल रेल रोको आंदोलन के लिए धरना प्रदर्शन को विवश है। इस संबंध में कोरोना संक्रमण बीमारी का प्रकोप बढ़ने के कारण जैथरी सहित अन्य मुख्य स्टेशनों में पूर्व की तरह ठहरने वाली ट्रेनों के परिचालन के बाद भी ठहराव नहीं किया गया, जिसके कारण जैथरी विकास मंच एवं क्षेत्रवासियों के द्वारा पिछले 24 अगस्त को बाजार बंद कर रेल प्रशासन के नाम जैथरी रेल प्रबंधक व जिला दंडाधिकारी को लिखित ज्ञापन सौंपकर पूर्व की तरह सभी ट्रेनों का ठहराव जैथरी रेलवे स्टेशन में किए जाने की मांग किया, जिसमें उल्लेख यहाँ है कि 15 दिवस के अंदर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो हमारे द्वारा क्रमिक अनशन व भूख हड़ताल करने को विवश होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन व रेल प्रशासन की होगी। अनूपपुर जैथरी से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मैडम पब्लिक फैसला नहीं मिलेगा, लोग आक्रोशित। आप ये चाहते हैं कि जनता को आक्रोश की सीमा तक न ले जा करके जो चीज वास्तव में सही, कोई नई चीज हम मांग नहीं रहे। समय हो गया सर। जो ट्रेन इतनी भी ट्रेनें कोरोना काल के पहले रुकती थी, उन सभी ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए कलेक्टर मैडम को एक ज्ञापन देने आए हैं, अल्टीमेटम ज्ञापन। और नगर विकास मंच, व्यापारी संघ और रेल संघर्ष समिति तीनों के तत्वाधान में एक बृहद आंदोलन 17 तारीख से चालू होने वाला है। 17 तारीख से हमारा क्रमिक अनशन होगा और उसके बाद 20 तारीख से भूख हड़ताल चालू होगी, वो जो अनिश्चितकालीन होगी जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं होगी। आपने पूर्व में भी रेल प्रशासन को अवगत कराया होगा, उनके द्वारा क्या आश्वासन मिले आपको? हमारे द्वारा 24 तारीख को रेल प्रशासन एवं प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर हमारी मांगों पे कुछ भी कार्यवाही नहीं होती तो हम 15 दिन बाद अनशन के लिए तैयार रहेंगे। उसी संबंध में आज ज्ञापन देने आए। क्या दिक्कतें जाती है ट्रेन बंद होने के कारण? आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैतहरी क्षेत्र ग्रामीण एरिया है और बहुत से गरीब जो पलायन कर रहे हैं, किसी की भी तबीयत खराब हो जाती है बिलासपुर जबलपुर या शहडोल आने जाने के लिए, उनके पास इतने पैसे की व्यवस्था नहीं होती कि वाहन की व्यवस्था कर पाएँ और वो अपने मेडिकल के लिए इतनी दूर जा पाए। इसलिए हम लोगों ने ठाना है कि हमको रेल का ठहराव हर हाल में चाहिए। रेलवे प्रशासन की तरफ से अभी आप लोगों को कोई आश्वासन नहीं मिला कि जल्दी हम चालू करेंगे ऐसा कुछ? रेलवे प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है, बल्कि मोजर बियर के कर्मचारियों के कारण सारनाथ का स्टॉपेज दिया गया है, जो जैतहरी हित में बिल्कुल भी नहीं है। जनता आक्रोशित है और नगर विकास मंच जो सर्वदलीय है उसके माध्यम से लोगों ने ये तय किया है कि हम रेल प्रशासन को पहले भी ज्ञापन दे चुके और कार्रवाई नहीं हो रही है, तो 17 तारीख से क्रमिक अनशन वहां पर चालू किया जाएगा, उसी की जानकारी देने कलेक्टर महोदय के पास आए। जैतहरी रेलवे स्टेशन में कितने लोग, कितने गांव जुड़े होंगे? जैतहरी के आसपास सैकड़ों गांव हैं और मोजर बियर जैसे पावर प्लांट है जो करोड़ों रुपए के राजस्व रेलवे को देता है। उसके बाद भी रेलवे पता नहीं क्यों जैतहरी के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, उपेक्षात्मक रवैया अपना रखा है, जिससे वहाँ की जनता आक्रोशित है। रेलवे प्रशासन को आपने कितने बार अवगत करा चुका होगा? रेलवे प्रशासन को कई बार, पिछले मतलब लगभग जब से कोविड की गाइडलाइन खत्म हुई थी तब से लगातार अलग अलग मंचों के माध्यम से, नगर विकास मंच के माध्यम से उनको आगाह किया जाता रहा कि भाई ये महत्वपूर्ण समस्या है, क्योंकि जैतहरी और वेंकटनगर तक समझिए, जब वेंकटनगर तक के लोगों को अपने व्यक्तिगत साधन करके अनूपपुर आना पड़ता है जो कि हजारों रुपए का व्यय होता है, उसको आज मेरे ख्याल से 50,000 लोग जैतहरी क्षेत्र से ट्रेनों में चढ़ते, विभिन्न ट्रेनों में उनको कितना रुपए खर्च होता आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं। आप लोगों की जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक अनशन अब चलता रहेगा? अनशन, उसके बाद आमरण अनशन और रेल रोको तक का कार्यक्रम हम लोगों द्वारा संपन्न किया जाएगा। किन मुद्दों को लेकर के आज कलेक्टर साहब के यहाँ आपने ज्ञापन सौंपा है? सबसे बड़ा मुद्दा है कि रेल अपने यहाँ रेल नहीं रुक ले रही है, कोई सिर्फ मेमो दो मेमो चल रही है, बाकी न कोई ट्रेन जो पहले ट्रेन थी, कोई भी ट्रेन, एक भी ट्रेन नहीं चल रही है, लगभग 3 साल हो गए।
लगभग 3 साल हो गए, हम लोग कितना कष्ट झेल रहे हैं हमारा दिल जानता है। ठीक है, आज हम सक्षम है तो अपनी कार से अपन आ गए, अनूपपुर आ गए, पेंडा चले गए। और गरीब हैं, छोटे वर्ग हैं, मध्यम वर्ग हैं, मजदूर हैं, वो कौन सी ट्रेन से पकड़े, कौन सी ट्रेन से अपन सफर करें, बताइए कितनी बड़ी तकलीफ है। 3 साल मतलब समझ रहे हैं आप। अभी वहां पर से कितनी ट्रेनें क्रॉस हो रही हैं जो नहीं रुक रही हैं? मेमो के अलावा कोई नहीं, मेमो के अलावा कोई नहीं, सिर्फ शेड्यूल मेमो, कटनी मेमो, इसके अलावा कोई ट्रेन नहीं रुक रही, गुजर सब रही है। कोरोना काल सिर्फ जतहरी में ही सबसे ज्यादा है, कोरोना काल जो है सबसे ज्यादा जतहरी में ही है। ठीक है, आपका नाम? खेमचंद आहूजा।